हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक। जहां तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के बीच में लेके आ गया हूँ नेम आर्ट एडिटिंग। ठीक है दोस्तों, नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग दोस्तों, इसका नाम है फायर नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग दोस्तों, जो कि रोमांटिक वीडियो एडिटिंग है, जिसमें दिल जो है हमारा जलता रहता है और उसी के अंदर हम अपना नेम ऐड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वो वाला वीडियो आप लोगों ने अभी मेरे स्क्रीन में स्टार्टिंग पे देख ही लिया होगा, तो सेम उसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ आज। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको भी इस तरह का वीडियो बनाना है यार, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप मेरे को किसी वीडियो के बारे में सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग आइए और मेरा जो सोशल मीडिया लिंक है, मेरा अकाउंट है, उस पर क्लिक करने के बाद आइए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और मुझसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं या फिर किसी वीडियो का सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, विदाउट वाटरमार्क जो मैं यूज़ करता हूँ। चलिए, तो यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मैं 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से 16:9 का ये वाला सेलेक्ट करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, तो मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, दिल वाला जो फायर वाला वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो उसी पे हम लोग अपना नेम ऐड करेंगे, नेम तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। इसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा हमारे सामने, तो इसको चला के दिखाते हैं आपको किस तरह का ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें सॉन्ग नहीं रहेगा, इसमें साउंड कोई भी ऐड नहीं है, आप अपने हिसाब से इसमें सॉन्ग ऐड कर सकते हैं जो टिकटॉक पर ट्रेंडिंग में चल रहा हो। अगर आप टिकटॉक पर वीडियो डालना चाहते हैं तो जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पर अपना हम लोग नेम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे लेयर में और यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो मेरा नाम विकास है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वी लिखने के बाद मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं खींच के इतना बड़ा कर लूँगा, इतना बड़ा करने के बाद इधर खींच के कर लूँगा, कुछ बीच में रख लूँगा सेंटर में। इतना रखने के बाद ये जो नेम वाला लेयर है इसको, इसकी लेंथ मैं खींच के लास्ट तक कर दूँगा वीडियो के। इतना करने के बाद फिर से इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट में जाएंगे हम लोग, डबल ए के ऑप्शन पर, और यहाँ से फॉन्ट बहुत सारे रहेंगे जो आपको अच्छा लगे, यहाँ से आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपको पसंद आए वो आप फॉन्ट रख लेना। यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर आपको अलग से भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करने है तो राइट साइड में कॉर्नर में एक देखिए ऑप्शन होगा स्टोर का, जो कि झोपड़ी जैसा बना होगा, घर जैसा, उस पर क्लिक करके आप अलग से फ़ॉन्ट बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो इस पर फिर से क्लिक करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा लग रहा है। जितने में ये परफेक्ट एकदम बढ़िया लगे उतने पे आप लोग इसको सेट कर लेना परफेक्ट तरीके से। तो इतना हो गया, अब हम लोग और इसमें लिखेंगे अपना नाम का जो बाकी और लेटर हैं और वर्ड हैं इसमें लिखेंगे। लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और अपने नाम का और जो बाकी वर्ड है उसको टाइप कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर और नाम का वो जो वर्ड है उसको टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे कुछ रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतने पे रखने के बाद, इतना बड़ा करने के बाद इसको खींच के यहाँ पे रख लेंगे सेंटर में। रखने के बाद हम लोग डबल ए के ऑप्शन पे जाएंगे, फॉन्ट इसका भी हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ से इसका फॉन्ट मैं ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, डांसिंग एक्स स्क्रिप्ट बोल्ड। ठीक है दोस्तों, इसको रख लेता हूँ। इसको रखने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद इसका जो लेंथ है इसको खींच के हम वीडियो के लास्ट तक कर देंगे कुछ इतना। इतना करने के बाद फिर इसी पर क्लिक करेंगे हम लोग और इसको यहाँ पर कुछ ऐसे सेट कर लेंगे हम लोग, कुछ और बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, इतना कर लेंगे कुछ और थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे कुछ ऐसे, तो ये थोड़ा सा अभी लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं कुछ ऐसे, रख लेना इसको सेंटर में बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, जितने पे ये बिल्कुल अच्छा लगे तो यहाँ पे इसको रख लेना, जितने पे अच्छा लगे दोस्तों अपने हिसाब से रख लेना। मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को।
तो इतने पे रखने के बाद अब हम लोग इसमें कलर वाला वीडियो ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों, जिससे कि हमारा ये जो नेम का कलर है वो अच्छा एकदम दिखने लगे। तो उससे पहले हम लोग ये नेम वाले पे क्लिक करेंगे, वी वाले पे। तो यहाँ से आएंगे नीचे में, इसका जो ग्लो है ना इसको अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद इसका भी कलर हम लोग रख देंगे वाइट। वाइट रखने के बाद इसका जो कैपेसिटी है इसको कम कर देंगे बिल्कुल, कुछ इतना रख लेंगे, एक दो। इतना रखने के बाद ये जो बाकी नेम का वर्ड है इसको भी ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, सॉरी। यहाँ पे आएंगे नीचे में स्क्रॉल करके, इसको भी, इसका भी ग्लो हम लोग ऑन कर देंगे वाइट, कुछ एक दो ऐसे रख लेंगे इसको भी। इतना रखने के बाद ये हो गया हमारा काम। तो हम लोग जाएंगे लेयर में और जाएंगे मीडिया में, यहाँ से वो अपना कलर वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये वाला है हमारा वीडियो, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पे हम लोग जो नेम है ना इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे रख लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे, एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, देखिए नीचे में आएंगे तो एक ऑप्शन रहेगा क्रॉपिंग का, यहाँ पे ये क्रॉपिंग, इसको क्रॉप कर लेंगे, जितना बड़ा नेम है उतना कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जितने में हमारा नेम है ना इसको उतने में कर लेंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे इसको कर लेंगे। इतना करने के बाद अब राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, इधर अभी थोड़ा सा कम है, इसको इधर खींच के कर लेते हैं थोड़ा सा, एकदम बराबर से दिखना नहीं चाहिए नेम, इतने पर रख लेंगे। तो क्रॉप पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा इधर कर देंगे क्रॉप, ऐसे रख लेंगे। तो ये हमारा हो गया, फिर से इसी पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, एक ऑप्शन आएगा ब्लेंडिंग, इसमें जाएंगे और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो अब देखिए हमारा नेम जो है वो कम दिख रहा है, इसमें इसको डार्क कर देंगे हम लोग इस कलर को। कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे, एडजस्टमेंट का ऑप्शन रहेगा एक, तो इसमें ये जो सेचुरेशन है ना इसको हम लोग कम करेंगे तो भी ये देखिए कलर अच्छा दिख रहा है, और बढ़ाएंगे भी तो भी कलर अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे चाहे कम कर लेना आप लोग इसका सेचुरेशन, चाहे बढ़ा लेना अपने नेम के हिसाब से, इसको रख लेना जिससे कि कलर बढ़िया दिखे इसका। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ कुछ, तो इसको भी चला के दिखाते हैं किस तरह दिख रहा है हमारा वीडियो, देख लीजिए दोस्तों। तो इसको पहले इधर खींच लेते हैं, अब चला के दिखाते हैं, अब देखिए हमारा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कितना अच्छा बन के तैयार हो गया दोस्तों। तभी अब इसमें हम लोग साउंड ऐड करेंगे, साउंड ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑडियो का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे, यहाँ से कोई एक सॉन्ग ऐड कर लेंगे फोल्डर में जाके, जहाँ पे आपका सॉन्ग हो, यहाँ से मैं कोई एक साउंड को ऐड कर लूँगा, कोई भी एक साउंड हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारा साउंड भी ऐड हो गया, तो हमारा वीडियो कम्प्लीटली बन के तैयार है दोस्तों। अभी इसको हम लोग सेव करेंगे अपनी गैलरी में। गैलरी में सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए राइट साइड में कॉर्नर में एक एरो का निशान होगा, तीर पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे, अपने फ़ोन में जो भी आपके फ़ोन में सपोर्ट करती हो क्वालिटी को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं 1080 रखता हूँ फुल HD, और इधर 30 रखता हूँ, और यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। इधर 1080, इधर 30 न रखने के बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।